स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में और औषधियों के परिचय के क्रम में आज की भी क्लास औषधि के परिचय पर ही आधारित है। जैसा कि मैं औषधि का परिचय अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप सभी को दे चुका हूं, तो उसी के क्रम में आज भी एक औषधि परिचय आप सभी से कराऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जिन्होंने औषधि परिचय के जो भी औषधि परिचय पे जो भी वीडियो मैंने आज तक बनाई है, जिन्होंने वो नहीं देखी है, वो जाकर के चैनल के माध्यम से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो औषधि परिचय है वो एक ऐसी औषधि का परिचय है जो आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन इस औषधि को आसानी से मिलने के वजह से आप यह मत समझिएगा कि इसका प्रयोग ज्यादा नहीं है या इसको हम ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग इस औषधि को आसपास में देखे होंगे, लेकिन इसके औषधि गुण से अनजान हैं आप सभी। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि इस औषधि के जो भी गुण हैं, इस औषधि के जो भी गुण हैं, वो आप सभी से परिचित कराऊं और आप इसके गुणों को जान करके इससे लाभ उठा सकें। तो आज के औषधि परिचय का जो क्रम है, आज के जो औषधि का जो नाम है, आप सभी को बताने से पहले बस इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उन सभी लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश कीजिए जिन्हें आयुर्वेद पे ट्रस्ट है या जो लोग भरोसा करते हैं आयुर्वेदिक औषधियों के ऊपर और चाहते हैं कि आयुर्वेद से जुड़ करके वो अपना इलाज कर सके और ताकि उनको ज्यादा जो भी समस्या है या जो भी बीमारियां हैं उनसे उन्हें आराम मिले और उसमें वो उसको प्रयोग में ले सकें। तो चलिए आज मैं बताता हूं कि कौन सी औषधि है जिसको मैं आप सभी से परिचय कराने के लिए लेके आया हूं। तो आज की औषधि का नाम है अकरकरा। आज की औषधि का नाम अकरकरा है और इसका वैज्ञानिक नाम एनसाइक्लस पायरेथ्रम है। एनसाइक्लस पायरेथ्रम तो इसका वैज्ञानिक नाम एनसाइक्लस पायरेथ्रम है और इंग्लिश में इसको पेलियोटोरी रूट कहते हैं। पेलियोटोरी रूट बोला जाता है इसको इंग्लिश में। तो औषधि का नाम है अकरकरा और इसका वैज्ञानिक नाम एनसाइक्लस पायरेथ्रम है और इंग्लिश में इसको पेलियोटोरी रूट भी बोला जाएगा। तो इसका उपयोग क्या है, कैसे इसको उपयोग करेंगे, कहाँ पे ये आपको मिलेगा, तो सबसे पहले मैं आपको इसको दिखाना चाहूंगा कि इस औषधि की पहचान कैसे है, कैसे आप इसको देखें, कैसे आप इसको पहचान सकते हैं, आपके अगर आसपास ये अगर दिख जाती है तो इसको आप कैसे संरक्षित करेंगे, कैसे सहेजेंगे और कैसे इससे दवा प्रयोग में आप लेंगे, तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो आपके सामने मैं इस औषधि को लेकर के आया हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से पहचान सकें। इसमें दो तरह की औषधियां मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले उस औषधि को दिखा दूं जिसको आपको प्रयोग में नहीं लेना है। अगर आपको ये औषधि कहीं भी दिखती है तो इसमें आपको सबसे पहले इसके पुष्प को पहचानना होगा। अगर इसका फूल भूरे रंग का हो, आप देख सकते हैं, अगर फूल इसका भूरे रंग का है तो मतलब ये औषधि पूरी तरह से अच्छी नहीं है, हल्के स्वभाव की है, इसको आप प्रयोग में नहीं लेंगे। क्योंकि आयुर्वेद में औषधि का जो प्रयोग है भूमि परीक्षण के बाद ही किया जाता है। अगर भूमि अच्छी भूमि पर उगा है तभी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि इसके फूल अगर भूरे रंग के हैं तो आप प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। तो ये अकरकरा का संपूर्ण पौधा है जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। गहरे हरे रंग का इसका पत्ता आपको दिखेगा और फूल इसका पीले रंग का और बीच में आपको गुंबदनुमा आकार आपको दिखेगा, तो आपको आसपास में कहीं भी दिख जाएगा। भारतीय पौधा नहीं है क्योंकि आयुर्वेद में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। माना जाता है अभी भारत में अरब देशों से ये आया है और यहीं पे इसकी उत्पत्ति हो रही है। और अगर इस समय इसकी बात करें तो ये आपको सामान्य रूप से कहीं भी मिल जाएगा। तो ये अकरकरा का पूरा पौधा है जिसमें मैंने बताया कि अगर आपको भूरे रंग वाले फूल वाला अगर पौधा दिखता है तो आप उसको प्रयोग में नहीं लेंगे। क्योंकि भूमि अगर अच्छी नहीं है, अच्छी भूमि पर अगर नहीं उगा है तो पौधे के गुण और जो भी लाभ हैं वो बदल जाते हैं। अगर आप उसका प्रयोग करेंगे भी तो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। अच्छी भूमि में वो उगना आवश्यक है। उसी तरह से अगर मैं आपको एक स्वस्थ पौधे का परिचय करा दूं, स्वस्थ पौधा आपको दिखा दूं, तो ये एक अकरकरा का पूरा संपूर्ण पौधा है जो कि पूरी तरह से स्वस्थ है
और इसके फूल की बात करेंगे तो इसका फूल पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरा पीला फूल है, आप देख सकते हैं। और पहचान करने के लिए कुछ मैं इसका परीक्षण भी बता देता हूं कि अगर अकरकरा का पौधा आपको दिखे तो अगर पुष्प आपको स्वस्थ दिख रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि पूरी तरह से स्वस्थ हो, तो आप उसको तोड़ करके हल्के से चबा करके देखेंगे तो झंझनाहट सी होगी, जीभ में झंझनाहट होगी और लार बहुत तेजी से निकलने लगेगा। तो आप समझिएगा कि जिस पौधे को आपको प्रयोग में लेना है वो पूरी तरह से स्वस्थ है, आप उसको प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन अकरकरा के पूरे पौधे की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रयोग में आयुर्वेदिक औषधियों को प्रयोग में लिया जाने वाला जो इसका द्रव्य है, इसका जो पार्ट है, जो भाग है, वो जड़ है। जड़ का ही भाग सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो अगर अकरकरा पौधे की बात करें कि ये कब विकसित होता है, कब ये पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तो ज्यों ही बरसात होती है, बरसात ज्यों ही शुरू होती है तो इसमें फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं, ये पौधा तेजी से विकसित हो जाता है। बरसात के बाद धीरे धीरे ये छोटा होने लगता है, खत्म हो जाता है, सूख जाता है। तो अगर आपको इस पौधे को संरक्षित करना है तो पौधे को आप अगर देखते हैं तो इसको उखाड़ करके धूप में अच्छी तरह से सुखा लें और पूरे पौधे के जड़ को आप अलग कर लेंगे पौधे से, और पौधे की जड़ का सूखा हुआ भाग लेकर के आप सील बट्टे पे पीस करके इसका चूर्ण बना लें और रख लें, ताकि चूर्ण से भी अलग अलग इलाज है इसका, अलग अलग दवा बनाई जाती है, अलग अलग बीमारियों में प्रयोग है। तो मैं बताऊंगा कि कौन से भाग का कैसे प्रयोग करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो पूरे पौधे को आपको संरक्षित करना है। और अगर ताजी औषधि की बात करें तो इसके पत्ते, फूल और इसका मूल ताजे रूप में प्रयोग किया जाता है। जब हम मूल बोले तो मूल का मतलब कि आप समझिएगा कि पौधे के ताजे जड़ को ही प्रयोग में लेना है। लेकिन जब जड़ बोला जाएगा तो जड़ बोलेंगे तो हम चूर्ण बताएंगे, तो चूर्ण मतलब जड़ को सुखा करके उसका चूर्ण बनाना है, तब उसको प्रयोग में लेंगे। तो जो भी पौधा मैंने दिखाया, एक बार और दिखा देता हूं पौधे का, कि आप अच्छी तरह से इसको पहचान सके, देख सकते हैं इसके फूल और पत्ते, जड़ भी मैंने दिखा दिया। जो मैक्सिमम जो साइज है इसकी यही है, इससे बड़ा आपको पौधा नहीं मिलेगा। आपको आसपास में अगर पानी की कमी है, अगर कहीं पौधा आपको दिखता भी है तो ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा आपको दिखाई देगा, लेकिन जो मैक्सिमम जो इसकी साइज है यही है, इतना बड़ा ये पौधा होता है, यही इतना इसकी जो साइज है यही है, एक्चुअली जो साइज है यही है। और अगर इस पौधे को देखें कि कैसे प्रयोग में लेंगे, किन किन बीमारियों में प्रयोग आता है या किसका किसमें ज्यादा इसका लाभ होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके जो फायदे हैं बहुत ज्यादा हैं, और बहुत सारे अध्ययनों से ये पता चल चुका है कि इसमें बहुत सारे रासायनिक जो पदार्थ हैं पाए जाते हैं, जो पुरुषों के रोग के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हैं। पुरुषों में जो रोग होते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा लाभदायक हैं। अगर रासायनिक पदार्थों की बात करें तो इसके जड़ में अल्काइल अमाइड पाया जाता है, अल्काइड अमाइड, पेलोटिरिन, अल्काइड अमाइड, जो रासायनिक पदार्थ हैं, ये जो रासायनिक पदार्थ हैं पुरुषों में कामेच्छा को बढ़ा देते हैं। और इसमें आइसो ब्यूटिलामाइड भी पाया जाता है, मतलब इसके जो जड़ होते हैं आइसो ब्यूटिलामाइड के बने होते हैं, जिसके कारण पुरुषों में जो कामेच्छा होती है वो बढ़ जाते हैं। अगर इसके जड़ के चूर्ण को पुरुष ज्यादा प्रयोग में लेते हैं तो कामेच्छा बढ़ जाती है, और ये जो है हमारी तंत्रिका तंत्र को भी दुरुस्त करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, हमारी तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है। और अगर देखें तो इसमें वीर्य बढ़ाने वाली भी गुण होते हैं, वीर्य को भी बढ़ाता है, और जो भी समस्याएं हैं पुरुष जिससे परेशान होते हैं, जैसे कामेच्छा नहीं हो रही है या स्वप्न दोष है, स्तंभन दोष है, तो इस तरह के जो बीमारियां हैं उसमें अकरकरा बहुत ज्यादा प्रयोग में ली जाती है और बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिलता है। अब बता दे कि कैसे ये कामेच्छा को बढ़ाता है, तो इसमें जो रासायनिक जो पदार्थ होते हैं पेलोट्रीन, अल्काइड अमाइड जो होते हैं, ये बहुत ज्यादा लाभदायक हैं, जो कि कामेच्छा को बढ़ाते हैं और ये शुक्राणुओं को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसलिए पुरुष संबंधी जो भी बीमारियां हैं उसमें ये बहुत ज्यादा लाभप्रद हैं। अगर देखें तो अकरकरा स्तंभन दोष भी दूर करता है, लेकिन अगर अकरकरा के चूर्ण का ही बस प्रयोग करेंगे या अकरकरा के मूल का बस प्रयोग किया जाएगा स्तंभन दोष को दूर करने के लिए, तो कुछ दिनों तक तो ये सही काम करता है, लेकिन लगातार जब इसका प्रयोग करेंगे तो इसका असर कम हो जाता है।
तो इसलिए वैद्य बताते हैं, चिकित्सक बताते हैं कि कभी भी अकरकरा के जड़ को अकेले ही प्रयोग में नहीं लेना है, जड़ के चूर्ण को अकेले ही प्रयोग में नहीं लेना है, उसके साथ अश्वगंधा और कौच बीज का जो चूर्ण है उसको प्रयोग में लेंगे तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा, स्तंभन दोष पूरी तरह से दूर हो जाएगा। तो जो आपको जो भी आयुर्वेदिक जो गुण इसके बताए जा रहे हैं पूरी तरह से कारगर हैं, आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो मार्केट से अकरकरा के मूल का चूर्ण भी खरीद करके प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सिंपली अकरकरा का पौधा लेकर के संरक्षित करें, सुखाएं और उसका चूर्ण बना करके तभी प्रयोग में ले, ताकि आपको अच्छा बेनिफिट मिले, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे चूर्ण आपको मिल जाएंगे जो कि पूरी तरह से प्योर नहीं है। तो शुद्धता अगर आपको चाहिए और अच्छा बेनिफिट चाहते हैं तो अपने द्वारा संरक्षित किए हुए पौधे का ही चूर्ण आप प्रयोग में लें। उसी तरह अगर बात करेंगे कि अगर गले में सूजन है या आवाज सही नहीं निकल रहा है, दर्द हो रहा है गले में, तो उसमें भी अकरकरा बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। प्रयोग विधि मैं बता दे रहा हूं कैसे आपको इसको प्रयोग में लेना है। तो आपको 250 ml पानी लेना है और उसमें 10 ग्राम अकरकरा की जड़ को डाल करके उबाल देना है, और उबाल तब तक उबालना है जब तक पानी आधा शेष न रह जाए, और उस पानी को लेकर के आपको गरारे करने हैं, जिससे आपके गले में जो सूजन है या दर्द है, जिसको फेरेंजाइटिस बोला जाता है, उस समस्या में आपको लाभ मिलेगा। अगर एक दो बार दिन में, 2-3 बार अगर आप कर लेते हो तो आपको बेनिफिट दिखने लगेगा। अगर लगातार 1-2 दिन करेंगे तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जो समस्या आपके गले में है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उसी तरह से अगर अगली बीमारी को हम बताएं कि किस बीमारी में और काम करेगा, तो अगर दांत दर्द हो रहा है, दांत में दिक्कत है, तो उसमें अगर देखें तो आपको करना क्या है, कपूर ले लेना है और अकरकरा के जड़ का चूर्ण लेकर के दोनों को एक साथ मिक्स कर देना है और दांत पे हल्के हल्के मसाज करना है, जिससे क्या होगा, जो दांत में जो दर्द है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। 1-2 दिन अगर आप इसका प्रयोग करते हो तो दांत दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। उसी तरह से अगर पायरिया की बात करें, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, ऐसे रोगी हैं दांत दर्द जिनका होता रहता है, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है, मतलब पायरिया पूरी तरह से पायरिया से उनके मसूड़े ग्रसित हो जाते हैं, जिससे मुंह से बदबू भी आने लगती है। तो ऐसे अगर पेशेंट अगर चाहें तो अकरकरा का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस बीमारी से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। अब मैं बता देता हूं कि इसको प्रयोग कैसे करना है, पायरिया में कैसे प्रयोग करेंगे। तो पायरिया में प्रयोग करने के लिए आपको अकरकरा के चूर्ण को ले लेना है, सरसों के तेल के साथ या तिल के तेल के साथ मिला करके इसको मसूड़ों पे धीरे धीरे मसाज करना है। अगर आप सुबह और शाम मसूड़ों पे अकरकरा के चूर्ण को तिल के तेल के साथ या सरसों के तेल के साथ मसाज करते हो तो पायरिया की जो समस्या है हफ्तों में गायब हो जाएगी, पूरी तरह से ये समस्या सही हो जाएगी। तो आप इसके चूर्ण का प्रयोग करके निश्चित तौर पे आप लाभ ले सकते हो। चलते हैं अगली बीमारी की ओर। तो अगर दूसरे बीमारी की बात करें तो कॉमनली है, जैसे ही सीजन चेंज होता है, सर्दी जुकाम होने लगता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है, तो उसमें भी अकरकरा बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर उसमें देखें तो अकरकरा का प्रयोग कैसे करेंगे, तो अकरकरा के जड़ की जो चूर्ण है, जब भी जड़ बोले तो आप जड़ का चूर्ण, मतलब जड़ को सुखा करके उसका चूर्ण बनाएंगे, तो जड़ के चूर्ण को काली मिर्च और पिपली के साथ ले करके आपको उसका क्वाथ बनाना है, मतलब कि काढ़ा बनाएंगे, और काढ़ा बना करके दिन में 3 से 4 टाइम अगर आप उस काढ़े को पीते हो तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या सर्दी जुकाम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। और अगर अब बात करें मिर्गी के पेशेंट को, कि मिर्गी के जो रोगी हैं उनको मिर्गी में कैसे आराम मिलेगा, तो अगर मिर्गी के जो पेशेंट हैं उनको अकरकरा की जड़ का अगर अर्क देते हैं तो मिर्गी धीरे धीरे शांत हो जाती है। तो अकरकरा के जड़ का अर्क भी मिर्गी के पेशेंट को दिया जा सकता है, जिससे उसकी मिर्गी धीरे धीरे शांत हो जाएगी। उसी तरह से अगर लकवा के पेशेंट की बात करें, अगर किसी पेशेंट, कोई ऐसा पेशेंट है जिसको लकवा मार गया है, तो अगर लकवा, जिसको पक्षाघात भी कहते हैं, अगर पक्षाघात हुआ है तो उसमें पेशेंट अकरकरा का प्रयोग कैसे कर सकता है, तो देख लेते हैं। मैं बता दूं कि अकरकरा का प्रयोग पक्षाघात में करने के लिए आपको करना क्या है।
इसके मूल को बारीक पीस लेना है। तो जब मूल की बात हुई तो ताजा पौधा आपको लेना है, उसके जड़ को ऐसे तोड़ लेंगे और जड़ को कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, अच्छा बारीक पीस लेंगे और उसमें महुए का तेल मिलाएंगे या तिल का तेल, महुए का तेल या तिल का तेल मिला करके अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेंगे। और जिस अंग पे लकवा मार गया है, जो अंग हिल डुल नहीं पा रहा है, जो लकवा प्रभावित जो अंग है, उसको अच्छी तरह से उस पे मालिश करना है। तो अगर आप रोज इसको मालिश करते हैं तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, धीरे धीरे आराम पेशेंट को हो जाता है। इसके अलावा अगर इसके जड़ के चूर्ण को अगर कहें, जड़ का इसका इसके जड़ का चूर्ण आपको लेना है, मार्केट से मिल जाएगा, बता चुका हूं मैं, तो अकरकरा के जड़ का चूर्ण 1 ग्राम लेंगे आप और उसमें शहद मिला करके, अकरकरा का चूर्ण 1 ग्राम और शहद लेकर के उसको मिक्स कीजिएगा और सुबह शाम पेशेंट को अगर चटाते हैं तो लकवा में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, लकवा के पेशेंट को राहत मिलती है। तो दो चीजें बताया, लकवा के पेशेंट को अगर आप मालिश करते हो अकरकरा के मूल को लेकर के महुए के तेल के साथ या तिल के साथ मिला करके प्रभावित अंग पे मालिश करते हैं तो लाभ मिलेगा। और दूसरा मैंने बताया, अगर 1 ग्राम अकरकरा का चूर्ण मधु के साथ लेकर के मिक्स करके अगर पेशेंट को चटाते हैं सुबह शाम तो आराम मिलता है। उसी तरह से अगर बुखार है, बार बार बुखार हो रहा है पेशेंट को, अजीर्ण है, तो उसमें भी पेशेंट को अकरकरा दिया जा सकता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, 1 ग्राम अकरकरा के जड़ का चूर्ण आपको लेना है, उसमें आपको 5 ग्राम गिलोय मिलाना है, 1 ग्राम अकरकरा का चूर्ण, 5 ग्राम गिलोय और 3 से 4 पत्ते आपको तुलसी के ले लेने हैं और सबको एक साथ ले करके जल मिला लेना है और उसका एक काढ़ा बनाएंगे, क्वाथ बनाएंगे, जिसमें पानी का मात्रा अर्धांश बच जाएगा, तब पेशेंट को छान करके वो गर्म पीने के लिए देंगे। अगर दिन में 2-3 बार अगर पीने के लिए रोगी को देते हैं तो बुखार में निश्चित ही लाभ मिलता है। तो अकरकरा के जितने भी गुण हैं उसमें से कुछ गुणों को मैंने, जो कि अधिकांश तौर पे समस्या आपको दिखती है कि आपके आसपास ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको ये समस्या होती है, जो भी मैंने अभी बताया है, तो उसमें आप अकरकरा का प्रयोग बता सकते हैं, क्योंकि जो भी आयुर्वेदिक जो भी औषधि का आपको प्रयोग बताया जाता है पूरी तरह से आजमाई हुई बातें हैं, पूरी तरह से आयुर्वेद पे आधारित है, आयुर्वेदिक चिकित्सक वैद्य द्वारा आजमाए गए हैं और बताए हुए जो भी चीजें हैं, जो भी चिकित्सा है वो आपको बताई जाती है, तो आप इसको प्रयोग में ले सकते हो, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन मात्रा का विशेष ध्यान देंगे, मात्रा अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह पर आप मात्रा का प्रयोग कर सकते हो, मात्रा पूछ करके उसका रोग के अनुसार आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात करेंगे इसके दुष्प्रभाव की, तो इसका साइड इफेक्ट तभी होगा जब आप ज्यादा मात्रा में इसका प्रयोग करते हो। अगर आप ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, इसके फूल ज्यादा मात्रा में चबा लेते हो तो आपके मुंह से लार निकलने लगती है, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको गैस हो जाएगा, अपच हो जाएगा और सिर दर्द होने लगेगा, तो ये इसके साइड इफेक्ट हैं। तो बिना जाने इसकी जो प्रकृति है, बिना जाने या इसका बिना प्रयोग जाने कि किस भाग को कैसे प्रयोग करेंगे, तो आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप पूरी तरह से सारी बातें अगर समझ गए हैं और जान गए हैं कि किस रोग में कैसे प्रयोग करना है, तो आप इसका प्रयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। भी अकरकरा के और जो भी लाभ हैं, इनके इसका जो लाभ है बहुत सारी बीमारियों में है, अलग अलग बीमारियों में है, तो जो मुख्य था मैंने आप सभी को बता दिया। चैनल पे जो भी नए हैं, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और इसी के क्रम में मैं जल्द ही एक नई औषधि आप सभी के बीच में लेकर के आऊंगा, आप सभी से परिचय कराऊंगा, जिससे आपको आयुर्वेदिक औषधि का ज्ञान प्राप्त हो और आप खुद प्रयोग में लेकर के उससे अपना इलाज कर सकें, जिससे आपको बेनिफिट मिले। तो इसी के क्रम में मैं कुछ और औषधियां आप सभी को परिचय कराने के लिए लेकर के आऊंगा। आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।